राम राम सभी को, आपका हमारे व्लॉग में स्वागत है। चाय नाश्ता वगैरह हो गया है सबका। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, आज भी बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और बच्चे अभी तक सो रहे हैं, तब तक मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करेंगे तो ठंडी भी कम लगेगी। और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तबीयत भी थोड़ी ख़राब हो रही है, ठंड सी लग रही है। तो तब तक बच्चे उठते हैं, तब तक सारा काम निपटा लेती हूँ। अभी तो सारा ऐसा ही ठंडा हुआ पड़ा है। बच्चों ने रात में होमवर्क किया था, तो टेबल पर बुक वगैरह भी सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है। अब उनको सारे को समेट के रख दूँगी, जब दिन में उठेंगे तब होमवर्क कर लेंगे, क्योंकि छुट्टियाँ पड़ रही है इसलिए लेट तक सोते हैं बच्चे भी। सारा काम हो गया है, अब खाना बनाना बाकी रह रहा है, अब जाके खाना बनाएंगे। बस खाना बनाने के बाद फिर सारा काम हो जाएगा। और ये सूट है जो मैंने कल लिया था, रेडीमेड है। ये पैंट है इसकी, ये अच्छे से दिखा देती हूँ। ये बथुआ का रायता बना दिया है, आज बनाया है बथुआ का रायता। और मैं बना रही हूँ रोटी, पहले रोटी बनाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लेट हो गए आज। इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, जी करे कोई बना करे तो बड़ी बनाई खाओ यार, सो जाओ। जनवरी जनवरी में तो रहती होगी। हाँ जनवरी जनवरी तो बहुत टाइम, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ा है जनवरी जनवरी में। आ तो आग भी ना बोल रही, इतनी देर होगी मेरे बालती ने कई कागज गिर ली, बड़ी ना रही, इतनी ज़्यादा वो होगी होगी सीलन सी हो रही है ना। हाँ ईंधन में सीलन साफ आ गया, धूप तो निकलती ना, धूप निकलता जब तो थोड़ा सूख भी जाओ, और बिना धूप का तो सारा ऐसा हो रहा है। फिर बाजरे की रोटी तो चूल्हे पर अच्छी लग गई, गैस पर तो खड़े रहो। गैस पे फिर मजे भी ना आते ना बाजरे की रोटी में, चूल्हे पे तो फिर भी अच्छी लग गई। इनकी बात तो बढ़ गई, चलो जल्दी जल्दी बनाओ, मैं देऊंगा हल्के। हाँ इनको ला दूंगी, आग बढ़िया पीछे तो जब बन जाएगी रोटी आप तो इतना देर में ला दूंगी, साग बढ़ जाए एक बार फटाफट, फिर साथ के साथ सारे खा लेगा। शाम के बज चुके हैं 3 और अब पी रहे चाय, धूप भी निकली हुई है थोड़ी, धूप तो निकल रही है लेकिन ठंड उतनी है। और ये मैं ज्योति पी रहे बैठ के चाय धूप में। और अब हम ये काट रहे हैं सब्जी, आधी कट चुकी है, अभी गाजर वगैरह काटनी और रह रही है। मम्मी लहसुन छील रही है, और बैठे बैठे मैं छील दूँगा, नहीं देर लग गई लहसुन में। आलू मटर की और एक सब्जी बनाई है मेथी गाजर और मटर की, दो सब्जी बनाई है आज। तो बस आलू, तब तक मैं आलू छील देती हूँ, तब तक ज्योति सब्जी छोंक देगी, जल्दी जल्दी से काम हो जाएगा, ठंड हो रही है, जल्दी से खाना बनाएंगे। एक सब्जी रख दी है और दूसरी छोंकने के लिए रख रखे है। रेणु भी जितना आलू छील रहे हैं, फिर आटा लगाएंगे और फिर खाना बनाएंगे। हाँ सर्दी में बड़ा मुँह गए मम्मी के, दो सूट काटने आपने अभी। हाँ कल लिए थे जो। अच्छा कल लिए तो वे है गई। हाँ दिखा, देख ले, कल तो ऐसे ही देखते थे। हाँ देख ले। ये सूट तो सुंदर है ना, इसमें सोल शायद अंदर है। हाँ सोल भी अंदर है और
कलर भी अच्छा लगेगा और डिजाइन भी अच्छा है इसके माँ इसको नहीं सोचे बाहर तक ही कढ़ाई है इसमें पर यो इसी में कपड़ा में काम है ये इसके जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है ये सारा इसमें यो वाला पार्ट यो पीछे का पार्ट है यो शोल है यो वाला शोल है और ये सलवार है और ये बाजू है इस तरह का है किस रेंज में है ये रेंज तो घने महंगे हैं हजार हजार के लिए थे हजार का तो होगा हाँ एक ही वाला कलर लिया ये वाला कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग गया था बाहर भीतर जावे ना तो भी मतलब सुंदर लगा इसका डिजाइन भी सुंदर है इसका अलग डिजाइन था उसका अलग डिजाइन है इसका सोल है इसके अंदर भी है ना हाँ सोल भी है और सलवार भी है और सूट पे भी सही मतलब पूरा भरा हुआ है सूट भी उसमें खाली गला गला था और नीचे बॉर्डर था ये पूरा भरा हुआ है जैसे ये सूट होगा ये पकड़ हो रहा था ये सूट होगा ये शोल हो गया यो वाला यो शोल हो गया ये सलवार होगी और ये बाजू होगी बाजू वहाँ पे काम है और सलवार पे पोचा पे भी काम है कलर भी अच्छा लग रहा है ना ये दो स्टोल ये एक यो स्टोल लिया था कढ़ाई का है पूरा उनकी कढ़ाई का अच्छा है वो भी बाहर भीतर जाओ ब्याह शादी में पार्टी भी है अच्छा लग जाएगा छोटा सा है हाँ है छोटा पर वैसे अच्छा है यू फैंसी है ना यू फैंसी छोटा ही रहा क्योंकि इसके ना ये वाले ज्यादा अच्छे लग गए जो ये लटकन है ये ज्यादा अच्छे लग गए मैंने जब ही तो मैंने गमे वैसे भी देखिए कितना वो है मुलायम है सॉफ्ट है ना मुलायम सॉफ्ट बढ़िया लग रहे है ना हाँ। तो ये आज तो ना कटे अब तो वार हो रही है तो रोटी राटी बनाओगे कल सुबह दिन में कल दिन में काटोगे सुबह के सुबह सर्दी इतनी ज्यादा रह हैगी कि कुछ काम ही करन जी ना करे और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग का एंड करते हैं कल मिलते हैं नए ब्लॉग में और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को पूरा देखा करो थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है हमें तो प्लीज़ सपोर्ट किया करो